गुड मॉर्निंग स्टूडेंट क्लास सेकंड बच्चों, आज मैं आपको चैप्टर यूनिट 6 कराने जा रही हूँ। इसमें है किलोमीटर और मीटर। एक किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। एक किलोमीटर कितने के बराबर होता है? 1000 मीटर के। तो इसको लिखेंगे 1 किलोमीटर को हम km लिखते हैं। 1 km यानी किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। ठीक है, तो कोई भी हम चीज को लेंथ, किसी भी चीज की लेंथ को हम नापते हैं तो वो किलोमीटर और मीटर में नापते हैं। देखो, जैसे ये इंच टेप है, स्केल है, इस तरीके से एक वो आता है हमारा बड़ा वाला, वो आता है इंच टेप, इस तरह से ये एल वाला आता है। ठीक है बच्चों, उसी तरह से 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100। जैसे ये 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। मीटर को एम और सेंटीमीटर को cm। ठीक है, ये दोनों चीजें आप अच्छे से लर्न करोगे, फिर इसको कन्वर्ट करोगे। जैसे 6 मीटर 12 सेंटीमीटर इक्वल टू 612 सेंटीमीटर। इसी तरह से 8 मीटर 15 सेंटीमीटर इक्वल टू 815 सेंटीमीटर। 5 मीटर 75 सेंटीमीटर इक्वल टू 575 सेंटीमीटर। इस तरह से ये दोनों लाइनें रो आप फिल करोगे। इसी तरह से सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 300 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या होगा? 3 मीटर। 625 सेंटीमीटर क्या होगा? 6 मीटर 25 सेंटीमीटर। इस तरह से ये फिल करोगे। उसके बाद आप नेक्स्ट पेज करोगे एडिशन का। देखो बच्चों, सिंपल एडिशन है, केवल मीटर लगा दिया। 4 + 2 = 6, 5 + 3 = 8, 2 + 1 = 3। तो ये वाला पेज आप फिल करोगे, एडिशन वाला भी। ठीक है बच्चों, पेज नंबर 144, 145 दोनों आपको फिल करने हैं। सबसे पहले तो आपको ये बात ध्यान रखना है, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर और 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, ये जरूर आपको लर्न करना है। फिर ये दोनों पेज आपको फिल करने हैं।